लंदन, द यूएस एम्बेसी। आज ब्रिटेन के नागरिक रोमन पोपोव का अमेरिकी दूतावास में एक संवाददाता सम्मेलन है। वो एक रूसी जासूस होने का दावा करता है, जिसे बचपन से ही एक गुप्त सेवा के लिए किया गया था एक विशेष टीम के द्वारा। ये कैसे रूसी गुप्त रूप से हमारे देश के अंदर गतिविधि को प्रभावित कर रहे हैं? पोपोव के अनुसार ये एक शीर्ष गुप्त विशेष टीम थी, जिसके बारे में ऊपर के अधिकारियों को भी ज्यादा पता नहीं था, पर अब विशेष रूप से सच्चाई का पता लगाने का समय आ गया। रोमन पोपोव के सबूत और उसकी गंभीरता, पश्चिमी दुनिया में इसने रूसी विरोधी आंदोलन को बढ़ावा दिया है, विश्व स्तर पर रूस को खड़े होने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी अपडेट हमें मिली है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इंट्रोड्यूस कराने का मिस्टर रोमन पोपोव को। गुड इवनिंग। मेरा नाम रोमन पोपावी है। बहुत बढ़िया। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मेरा बेटा सिर्फ 15 साल का है। मुझ पर भरोसा करिए, अगर आपके बेटे को उस तरह का बोर्ड मिलता है तो आप उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। शायद मुझे ये वाला बोर्ड खरीदना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास एक दूसरा भी है, मेरा पहला बोर्ड जो मेरे डैड ने दिया था, आप उसे खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं शायद इसे संभाल सकता हूँ। हाँ, उम्मीद तो यही है। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे उस बोर्ड का इस्तेमाल मैं बहुत ही कम करता था जब मेरे डैड ने दिया था, हमारे पास और भी है। हेलो हेलो एंड्रिया, मैं दादा बोल रहा हूँ। युवा खतरे में है।
राम, I'm sorry. देख के चलो जरा. बोलिए, माफ कीजिएगा, मैं क्या कर सकती हूँ? मारिया, क्षमा कीजिएगा, क्या आप यहाँ पर किसी की तलाश कर रहे हैं? डैड ने मेरे पास कॉल किया था और तुम्हें एक बात पता है कि उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी. हाँ, मेरा उससे कोई मतलब नहीं. उन्होंने मेरे पास फोन किया और कहा, रन, युवा के बारे में कुछ तो है. वैसे काफी अच्छी जगह है ये. इतने दिन बाद डैड ने मेरे पास फोन किया और ज्यादा बात भी नहीं हो पाई. तुमने मुझे ढूंढा कैसे? पोलैंड में उस पैराशूट फेस्टिवल में. बस मैं भी भाग ले लेता हूं. तब मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम काम कर रही होगी, फिर मैंने तुम्हें ट्रैक किया और सारी जानकारी मिल गई. ज्यादा मुश्किल नहीं था? नहीं, मैं काम नहीं कर रही थी. जॉन खतरे में है, तुम यहां से चली जाओ जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता. रखमानोवा बोल रही हूँ. रखमानोवा, माफ कीजिए, आपके रिश्तेदार रूस से आए हैं. शुक्रिया, उन्हें आने दो. अंदर आने दो उन्हें. ठीक है, वो एक मिनट में अंदर होंगे. कुछ तो गड़बड़ है. मुझे भी लग रहा है. हाँ, मुझे भी. काम करने के लिए जगह बहुत ही अच्छी है. हमने खुद को आपके रिश्तेदारों के रूप में पेश किया ताकि कोई सवाल ना उठाए. हम एक मिशन पर हैं. हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप युवा से हैं. रखमानोवा, हम ये जानते हैं कि आप बिना पासवर्ड के नहीं बोलेंगी, और पासवर्ड सिर्फ आपको और कर्नल रोडिन को पता है. हम आपके बारे में जानते हैं, आप अनाथ हैं और रोडिन ने आपको ढूंढा था. आपको युवा के लिए लाया गया है. हम 15 साल से आपको ढूंढ रहे हैं. इतने सालों में आपने मुझे पर्सनली देखा? रखमानो, देश की सेवा का समय आ गया है. एंड्री, या तो सिक्योरिटी को बुलाओ या इसका रेडियो ले जाओ. निकलो यहां से जल्दी. Thank you.
हो तो जाएगा ना, मुझे तो बहुत ही तकलीफ हो रही है। एंड्री यहां पर आओ। क्या बात है, थोड़ा है क्योंकि ये टूट नहीं रहा। मदद चाहिए? ये ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला। जल्दी करो ना। हाँ बस ये हो रहा है। अपने हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? अपने बारे में सोचो। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। शुक्रिया बात नहीं करना। ए, ए, सुनो मैं इधर लटक रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? कॉमरेड जनरल, मुझे लगता है कि वो युवा हैं, मरिया रखमानोवा। वो एक कंपनी के लिए पीआर एजेंट है। एक पीआर एजेंट? हाँ, प्रोफाइल सब ठीक है, कुछ भी संदिग्ध नहीं है। वो 16 साल की उम्र में जर्मनी चली गई थी अपने आप। वो उसके साथ था। हाँ एक मिनट, ये तो रोडिन है। आपका मतलब है बेटा? हाँ उसका बेटा। वहां पर कौन है? एजेंट के संपर्क में रहा है। Junge Mensch sprang vom Dach des Gebäudes. Es gab keine Opfer. Die Bundespolizei ermittelt nach den Beteiligten. Unter ihnen dürfte Frau Maria Rachmanova sein, die PR-Leiterin des Unternehmens. Mehr samajh gaya. Nun für Sie die Wettervorhersage mit Angela Braun. Deutschland erlebt Lina, maa bula rahi hai tumhe? ठीक है, तुम इसका ध्यान रखो।
270678. हेलो, कभी युवा के बारे में सुना है? ध्यान दें, आप सभी कर्नल रेडिन के बारे में जानते हैं, एक लेजेंड, एक नायक। 1979 अफगानिस्तान, 1981 अंगोला, 1982 क्यूबा, 1983 उत्तर कोरिया। 2000 की शुरुआत में उन्होंने स्काउट करना शुरू किया और देश भर के अनाथ बच्चों को उन्होंने विदेश भेज दिया, एक एक्सचेंज स्टूडेंट्स प्रोग्राम के तहत। उस स्कूल को युवा कहा जाता है। रेडिन भविष्य के बारे में सोच रहा था। सूचीबद्ध ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था और बढ़ाने के लिए उसका मिशन एक चेन बनता जा रहा था और आदेश की प्रतीक्षा करनी थी। उसके इस सफल शुरुआत के 2 साल बाद कर्नल रेडिन की मृत्यु हो गई। वो एक हादसा था, केवल उन्हीं को उनके नाम के बारे में पता था, उनके पते और पासवर्ड भी। युवा को निम्नलिखित आदेश मिला, यदि आपके संपर्क में पासवर्ड नहीं है तो उसके बारे में बात मत कीजिए। इसलिए हमारे एजेंटों की एक श्रृंखला थी दुनिया भर में, पर उनसे कोई संपर्क नहीं था लगभग 15 से अधिक वर्षों के लिए। 2 हफ्ते पहले रोमन पोपो को भाषण देना था इंग्लैंड के अमेरिकी दूतावास में। वो युवा का पहला व्यक्ति था जिसने सभी वर्षों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अज्ञात लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। आज युवा के 2 सदस्यों को देखा गया है। ये रहे वो, हमें उन्हें जिंदा रखना है। हम उनकी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। कॉलर आईडी है तुम्हारे पास? क्या उसने तुम्हें फोन किया? नंबर याद है तुम्हें? नहीं, मैं नहीं जानता। पर तुम्हारे डैड को मैनेमोनिक सिखाया गया है। हाँ, मैंने कोशिश की थी पर मुझसे हो नहीं पाया। आओ मेरे साथ। वहां बैठ जाइए, ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल। रशियन? क्या कहा? नहीं सॉरी। नंबर याद करने की कोशिश करो। क्या मजाक है। मिल गया। बड़ी अजीब बात है। कॉल किया इस पे? हाँ किया था, पर ये सेवा से बाहर है। उस तरफ ध्यान देना। ये काफी मजेदार है ना? तुम्हें मजा आया? ये कैलेनिन ग्रॉड का फोन कोड है। तुमने उसे याद किया? मिल गया। ये नंबर सेवा से बाहर है। तुम्हारे जूता का फीता खुला हुआ है।
उन्हें साइड से घेरो, जल्दी जल्दी करो। जाओ कुछ तो करो तुम। जल्दी निकलो। दो अधिकारी को गोली लगी है और चार निशानेबाजों की पहचान नहीं हुई है। देखते हैं कि जानकारी हमें कब तक उपलब्ध होगी। कहाँ जाए? कैलिनिनग्राद को। नहीं एंड्री, हमारे चेहरे सभी डेटाबेस में आ गए हैं। कोई भी अधिकारी हमें पकड़ सकता है। हमें इंतजार करना होगा। छिप जाओ यहाँ पर। हमें ये समझना होगा कि क्या हो रहा है। पहले डैड को खोजते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जल क्या रहा है। वो पूरे समय तक मरने का नाटक क्यों करते रहे? और ये सब सही नहीं था। मुझे हमेशा से संदेह था इस युवा प्रोग्राम को लेकर, लेकिन रेडिन ने कहा था कि हमारे पास एक ऐसा हथियार होगा जो किसी के पास नहीं होगा। उसने सभी से युवा का संपर्क खुद ही रखा, इसलिए हमें कोई पता नहीं है। उन लोगों का क्या करना है ये हमें पता करना होगा। वे किसके लिए काम कर रहे हैं? हमें किसी भी हालात में ये पता लगाना होगा कि ये सब कौन करवा रहा है और क्यों। इसके पीछे उनका मकसद क्या है? रोमन पोपो केवल एक छोटी मछली है इस खेल में। इस खेल में कोई बड़ी मछली भी है जो ये सब करवा रही है। हमारा काम ये पता लगाना है कि इसके पीछे आखिर है कौन। मुझे माफ कर दो माय लव। मैं ठीक हूँ। चलो अब ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो दोस्त। जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस 10 मिनट में पहुँच रहे। मैंने तुम्हें मारा? कोई बात नहीं। चोर कहीं के? ये लो। चलो चलते हैं। चलो बैठ जाओ। हम पोलैंड से निकलकर रूस को जाएंगे। हिटलर ने भी यही सोचा था। हम उन्हें इस पुल पर पकड़ेंगे। यहाँ से पानी का भी एक्सेस है।
विशेष ऑपरेशन के लिए हमें पुल को बंद करने की अनुमति चाहिए। मैं पुल को बंद करने की अनुमति मांगती हूँ एक विशेष ऑपरेशन के लिए। कारण स्पष्ट करें। हमारे पास सोचने का कारण है, संदिग्ध उस मार्ग से जाएंगे। आपके पास अनुमति है? जी, मैं समझ गई। असफल रहा। हम व्यक्तियों को हिरासत में लेने में कामयाब नहीं रहे। हमारी टीम में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरे को उसकी मातृभूमि में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने उन्हें खो दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने 15 साल पहले रोडिन को भी खो दिया था, तुम समझती हो? मेरे पास कोई सुराग नहीं है, पता नहीं कि अब उन्हें कहां ढूंढेंगे। हम उन्हें जरूर ढूंढ पाएंगे, मुझे यकीन है। उनके पास घर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे यकीन है या तो वो पोलैंड में होगा या ग्रुनोव में। वैसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। क्यों छोड़ा तुमने? तुमने क्यों छोड़ा? तुम बताओ, तुमने युवा को क्यों छोड़ा? उसने तुम्हें यही बताया होगा, है ना? अच्छी बात है कि वो मेरा डैड है। मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन क्यों? जब मैं 14 साल का था, मेरी माँ की मौत हो गई। मुझे अजीब सा लगा, मुझे किसी की सहारे की जरूरत थी। वो कभी मेरे आसपास नहीं थे, कभी मेरे साथ नहीं थे। एक दिन उन्होंने आकर मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, हम सवारी के लिए चलते हैं। मैंने सोचा वाह कितना अच्छा है, हम समुद्र किनारे जाएंगे, मजे करेंगे। और वो मुझे वहां पर छोड़ने के लिए आते हैं जहां पर मैंने अपने जैसे 20 बेवकूफ देखे।
और तुम्हें देखा। ये सब वहीं से शुरू हुआ, आदेश, प्रशिक्षण, अनुशासन। खैर मुझे ये सब पसंद आया, लेकिन अगर मेरे डैड ने मुझसे एक बार भी बात की होती मुझे अपना बेटा मानकर। खैर मैंने चाकू लिया और हाथ काट लिया अपना। मुझे कुछ ध्यान चाहिए था, मुझे लगा कि वो आएंगे और मुझे गले लगाएंगे और मेरे लिए सॉरी महसूस करेंगे। तो क्या उन्होंने सॉरी महसूस किया? वो आए थे और मुझसे कहा कि मुझे हमेशा एक लड़की चाहिए थी। वैसे अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ सब कुछ अच्छा है ना? वैसे हम दोनों एक काम कर सकते हैं, यहीं पर बस जाते हैं, एक आईडी की व्यवस्था करके हम दोनों साथ रह सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर बारबेक्यू खोलेंगे और सोने का उपयोग करेंगे। हाँ ये बकवास बंद करो अपनी, मैं सीरियस हूँ। वो आपको कहाँ से मिला? प्रतियोगिता से। एक अनाथ छोटी लड़की, उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। उनका वो चमकदार विशेष स्कूल युवा से देखने में तो अच्छा है, पर उसमें कुछ खास है नहीं। जितना वो दूर से दिखता है उतना है नहीं। तो क्या तुम्हारे लिए वो कट्टरपंथी है, लेकिन मेरे लिए तब वो पिता बन गया था, हम सभी के लिए। खैर कम से कम एक के लिए तो है। इसीलिए युवा मेरे जीवन का उद्देश्य है। मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। जर्मन शहर की मिट्टी, वो क्या है? पासवर्ड क्या है? पासवर्ड? अगर मैं पासवर्ड बताता हूँ तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा, ठीक है? अगर तुम मेरी बात को मानती हो तो इसमें तुम्हें भी मजा आएगा। बिल्कुल। अगर ये रूसी कानून के खिलाफ ना हुआ तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ कभी। ये वही दोनों हैं। खैर तुम्हें क्या पता चला? उन्होंने 10 मिनट पहले सीमा पार की और कैलिनिनग्राद की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ समझ गया, वो उनकी कब्र है। क्लेनिनग्राद में कहाँ रहते थे तुम? मुझे कोई एक जगह याद नहीं है, हम कभी एक जगह पर रहे ही नहीं। उस समय मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, हम इधर उधर भटकते रहते थे, हमें हमेशा जगह छोड़नी पड़ती थी। हम आगे क्या करने वाले हैं? पहले कुछ खा लेते हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूं।
इंतजार किस बात का? चलो उन्हें अलविदा कहते हैं। निकलो निकलो यहां से। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। लाओ मुझे दो। चलो बैठो। टैड। अच्छा तो ये तुम हो। गोली मत चलाना, उन्हें जिंदा पकड़ना है। ये अटक गया है। उसका कुछ नहीं करेंगे। डैड ये कौन है? मेरा दोस्त है पुराना। मुझे कुछ बताना चाहते हैं? शायद आपका कुछ मुझे समझाना हो। कुछ तो बोलिए डैड। नहीं बोलना? ठीक है, कम से कम 15 साल में पहली बार फोन करने के लिए शुक्रिया। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था।
पेन को नीचे रखो। तुमको किसने बताया कि मैं जीवित हूं? आपने आपने मुझे खुद बुलाया था। तुम बेवकूफ नहीं हो, है ना? लो इसको पियो, अपने फेफड़ों को साफ करो। तो क्या आपने फोन किया था या आपने नहीं किया? पियो इसको। काम शुरू करें। उन लोगों के नाम लिखो जिनसे इतने सालों में तुम्हारा संपर्क रहा है। चलो, कोई भी नाम छूटने ना पाए। चलो लिखना शुरू करो, एक एक करके। चलो सारे नाम। मैं किसी से भी नहीं मिला। ठीक है, पिछले 15 सालों में तुमने कभी अपनी याददाश्त के बारे में शिकायत नहीं की। तुम्हें पता है मारिया, हमारी वर्तमान स्थिति के बावजूद मैं वास्तव में तुम्हारी ही तरफ हूं। बस मुझे ये बताओ कि चल क्या रहा है। आपको नहीं पता मैं एक जर्मन नागरिक हूं। मैं चाहती हूं कि आप काउंसिल को सूचित करें मेरी गिरफ्तारी के बारे में। हाँ, मैं ये जानता हूं कि तुम पासवर्ड के बिना कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन अपने घर अपने खुद के बारे में कुछ बताओ मुझे। तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती। मैंने कहा ना, मैं एक जर्मन नागरिक हूँ। मैं मांग करती हूँ कि आप काउंसिल को सूचित करें मेरी गिरफ्तारी के बारे में। वो पूरी तरह से शांत है, वो जानती है कि वो क्या कह रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी काउंसिल जान नहीं पाएगी कि तुम कहां पर हो, तो बोलना शुरू करो। मारिया, तुम समझ नहीं रही हो, मुंह खोलने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूं, तुम सोच लो। और यह बताओ कि वो तुम्हें कैसे मिली। पोलैंड के पैराशूट फेस्टिवल में मिले थे मुझे। मैंने उसे अचानक से देखा था, फिर मैंने उसे सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैक किया था, फिर मुझे उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मिला और अपने सर्वर को उसके करीब ले गया। खैर, ये बताओ कि तुम किस तरह की पीढ़ी हो। बस आपका ही हूँ। तुम अपनी सभी व्यक्तिगत बातें बाहर कैसे निकाल देते हो? तुम कौन हो और कहां से आए हो, किसके साथ हो? लेकिन क्यों, और मुझे छिपना क्यों चाहिए लोगों से? मैं कोई जासूस थोड़ी हूं। कोई भी पिता इस बकवास को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा।
मुझे भी इसी सूची में जोड़ दिया। मैं सभी सही लोगों को बुला रहा हूं, वो तुमको स्वीडन ले जाएंगे, वहां पर तुम अपने आप ही रहना। मैं मारिया के बिना नहीं जाने वाला। तुम्हें कैसे लगा कि वो जाएगा? तुम क्या इंटेलिजेंस में जाओगे? मैं तुमसे बड़े प्यार से पूछ रहा हूं, समझ रहे हो ना? मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। डैड, पिछले 15 सालों से लग रहा था कि आप मर चुके हैं। क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी? आप कम से कम एक बार मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। मुझे मारिया चाहिए। और कपड़े भी। वो कोठरी में। अगर रोडिन ने इसे कुछ सिखाया है तो ये कुछ नहीं बोलेगी। हमें इस बारे में सोचना होगा। तो इस वक्त ये टारगेट नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, रोडिन कहीं नहीं जा रहा है। हमने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। वो कहीं जाने के बारे में सोच भी नहीं रहा। हाँ, मैंने देखा है, लेकिन कोई सही डिटेल्स नहीं है मेरे पास। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैक्सिम मिखाइलोविच। कॉमरेड, मुझे बॉस को देखना है, कृपया मुझे रास्ता दीजिए। कर्मचारियों को बदला जा रहा है, कृपया अपने उपकरण छोड़ना ना भूलें। रात को 8:30 बजे तुम लाइट बंद कर देना। ठीक है, चलो दोहराओ। 8:00 बजे मैं लाइट बंद कर दूंगा। अब 8:30 बजे मैं लाइट बंद कर दूंगा। ठीक है, अपनी बनियान छिपाओ। माफ कीजिएगा, क्या समय हुआ है? रात के 8:30 बजे हैं। दोस्तों, फर्स्ट ठंडाई में बीमार हो जाऊंगा, क्या वास्तव में इसकी जरूरत है? उसकी चप्पल वापस दे दो। शुक्रिया।
वक्त हो चुका है। क्या तुम सब लोग बेवकूफ हो? खैर, मौत लोगों को बदल देती है। तुम यहां पर क्यों आए हो? पुराने दोस्त से बात करने के लिए। हां, मैं सुन रहा हूं दोस्त। मैं आपको सुन रहा हूं। तुमने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? उन्होंने मांगा और मैंने उन्हें युवा पासवर्ड दे दिया। पहली योजना में बच्चों का उपयोग करना चाहता था। मुझे उनकी रक्षा करने की जरूरत थी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो रोडिन? मैक्सिम मिखाइलोविच, क्या आपने युवा को किसे बेचा? आपको क्या लगता है? क्या वो पागल है? तुम मुझे सच सच बताओ। दिलचस्प, आखिर तुम क्या सोचते हो? मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मरने का नाटक क्यों किया? उसे यहां ले आओ। ठीक है, लाते हैं। चलो इसे ले चलो। आप हथियार फेंको। कोई चला कि नहीं? पता करते हैं कि ये क्या है। जनरेटर कहां पर है? बताओ कहां पर है? वहां ऊपर। लगता है हमारी बातचीत का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर सकता। रखमानोवा को 14 नंबर सेल में ले जाओ। मैं अभी आता हूं। Thank you.
ये लो। मारिया, इसको पिलो। थैंक यू। कुछ नहीं होगा तुम्हें, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए। ये और ज्यादा पीने के लिए नहीं है। वो मेरे पास आने के लिए इंतजार कर रहे थे। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मुझे पता लगा ये कटाव का काम है। उसने ऐसा क्यों किया? हमें हिरासत में रखने की क्या जरूरत है? क्या आप हमारे साथ हैं? सुना आपने? हमें मिलके करना होगा, पता लगाना होगा कटाव युवा को क्यों बेचना चाहते हैं। तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? खैर, हमें कटाव को पकड़ना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। सिगरेट के टुकड़ों को साफ करना जरूरी है। अच्छा चलो उसे पकड़ते हैं। चलो तुम बाहर निकलो। डॉक M71, वो तुम्हें पोलैंड शिफ्ट करेगा। आगे का रास्ता तुम्हें खुद देखना होगा। ठीक है, आप जैसा कहें। हम आपकी बात को ना मानने की अवहेलना थोड़ी कर सकते हैं। यह रहा तुम्हारा पासपोर्ट, जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। नया पासपोर्ट, खुशबू अच्छी आ रही है। कर्नल साहब, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? सनी, मैं अभी ड्यूटी पर हूं, तुम कोई नहीं हो, इसके बारे में भूल जाओ। सही कहा, यह सुनना हर बेटे का सपना होता है अपने बाप के मुंह से। कोई बात नहीं, यहां पर कोई सवाल नहीं, चलो चलते हैं। मारिया, तुम भी साथ चलो। वो भी अभी ड्यूटी पर ही है। मारिया, क्या तुम मेरे साथ हो? माफ करना। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं, चलता हूं।
दोस्तों मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। तुमने इलेक्ट्रिकल यूनिट को तोड़ दिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे पिता विदेशी खुफिया एजेंसी आए थे। कॉमरेड, मैं बॉस से मिलने आया हूँ। और जब कैमरे बंद थे तो उन्होंने कतैब को बताया उसे रखमानोवा के साथ जाना चाहिए। और कतैब ने मदद भी की। कतैब? पहले वो युवा को लेना चाहता था, फिर उसने डैड की मदद की, पता नहीं क्यों। ये कुछ अजीब नहीं है? रखमानोवा ने सोच समझकर अपने आप को फेस्टिवल में एक्सपोज किया। तुमको रखमानोवा कैसे मिली? पोलैंड में उसके साथ टक्कर हुई थी गलती से। मैं बात करता हूं। और जब युवा खतरे में दिखाई दिया तो आप उसे बचाने के लिए रवाना हो गए और उसे अपने पिता के पास ले गए, जैसे कि वो चाहती थी। उसे सब पता था। मुझे नहीं पता, जब वो मिलेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा, ठीक है? ये एक जाल है, तुम्हें शायद नहीं पता। ये जाम हो गया है। तुम्हारे डैड ने उसे एक मकसद के लिए खो दिया और फिर उसे बचा भी लिया, पता लगाने के लिए कि किसने रखमानोवा को युवा बेचा है। रुको, तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब कि वो माशा रखमानोवा एक गद्दार है? हाँ, रखमानोवा एक गद्दार और मुझे उसे यहाँ से निकालने की जरूरत है। मतलब वो एक गद्दार है और मुझे उसे यहाँ से निकालने की जरूरत है? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। युवा मेरे जीवन का उद्देश्य है, तुम्हें पता होना चाहिए। एंड्री को विदेशी खुफिया सेवा ने पकड़ लिया है। वे जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगा मैंने कर्नल रेडिन को चकमा दे दिया है। तुम वो सोच रही हो जो मैं चाहता था। आपने मेरे बारे में कब पता लगाया? राइट, अपने जीवन में पैराशूट के साथ कभी मत कूदना। ये सब फेस्टिवल के 6 महीने पहले शुरू हुआ। तुम केवल रोमा पोपो में बात कर सकती हो देशद्रोही बनने के लिए। तुम्हें उससे प्यार था? क्या आपने पूरा समय हमारी जासूसी की थी? तुमने कैसे अनुमान लगाया कि मैं जीवित हूँ? जिसने हमें सिखाया कि एक वास्तविक एजेंट के लिए मृत्यु नौकरी का सिर्फ एक हिस्सा है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। बिल्कुल सच है। हम कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिम। Thank you.
कोई सुन रहा है? मैक्सिम मिखाइलोविच अपहरण हो गया है, टारगेट को पकड़ लिया है। इसे यहां से जाने दो, मैं तुम्हें पासवर्ड देता हूं। ठीक है, बताइए। वो मेरी कार से हमें सूचित करता रहेगा हर 5 किलोमीटर की कोई मेरे पीछे तो नहीं। हर कॉल में आपको एक पासवर्ड मिलता रहे। बेवकूफी मत कीजिए। लवर, कार को खरोच मत मारना। तुम समझते हो फोन टैप किया गया है? मैं तुम्हें मिस करूंगी। एंड्रू सुनो, मैं ड्यूटी पर हूं, तुम कोई नहीं हो। बेटा, क्या तुम भूल गए? तुम कोई नहीं हो। मैं तैयार हूं, हम अपनों की प्रतीक्षा करते हैं। टारगेट निशाने पर है, जरा ध्यान से गोली चलाना। मुझे लगता है कि युवा में कोई है जो देशद्रोही बन गया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम हो। मैं गद्दार हूं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगा मेरा परिवार मिल गया, कर्नल रोडिन मेरे पिता बन गए। मैं देश की सेवा करना चाहती थी और आपने इस घूंगे सर्कस को चलने दिया। हमेशा कहा कि आदेश की प्रतीक्षा करो और हम लैब में चूहों की तरह फंस गए थे। क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमें क्यों फंसाया था आपने वहां पर? एक आदेश की प्रतीक्षा करने? मैंने युवा को धोखा नहीं दिया है, आपने धोखा दिया। वो सिर्फ एक आदेश था। बैठो और रुको। हम कब तक इंतजार करने वाले थे? 20 तक या शायद 30 तक, शायद जीवन भर।
जवाब दो। बोलिए। क्या तुमने इसे बनाया? गोली मत चलाना। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मैंने कार को नहीं खरोचा। डैड, आप जानते हैं कि मुझे क्या लगता है, उसे नर्क में जाने दो। उसे कोई पासवर्ड ना बताएं। चलो गोली चलाओ, मारो गोली। मुझ पर अत्याचार करो, देख क्या रहे हो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, गोली चलाओ। मैं तुमसे प्यार करता था ना, आदेश दिया, कब्जा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़ दो। मेरे डैड जिंदा है? जानना चाहते हो शूटर कौन था? मैं बताऊंगी तुम्हें। हमारे अपने लोग, शायद कतैब भी। हम अपने लोगों के लिए मायने नहीं रखते। उन्होंने हमारे पिता को भी नहीं छोड़ा। तुम ये मत सोचो मैं युवा को धोखा दे रही हूं। मैं यही चाहती हूं कि हम सामान्य लोगों की तरह ही रहें, ताकि इतने वर्षों से जो प्रतीक्षा हो रही है वो बेकार ना हो। इसीलिए तुम्हें पासवर्ड याद रखना चाहिए था, याद है तुम्हें? मैं नहीं जानता। तुम्हें पता है, तुम तो भूल ही गए। मैंने कभी नहीं समझा कि तुम युवा में क्या कर रहे हो, लेकिन धीमे धीमे हमसे भी बदतर, और मैं समझ गई। तुम्हारी ताकत तुम्हारी याद थी, तो अपना पासवर्ड जानते हैं एंड्री। सोचो, याद करो ना। मैं तुम्हें एक शॉट देती हूँ जो याद दिलाएगा तुम्हें। एंड्री, अब फ्रांस की राजधानी क्या है? बेटा, ये बताओ कि फ्रांस की राजधानी क्या है? मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें कविता में बताया, उसके बारे में क्या ख्याल है? पापा एक फ्रांसीसी अपने बच्चे को ये बताता है, चलो जल्दी जाओ और कुछ पनीर प्राप्त करो। पेरिस पेरिस पेरिस
एक जर्मन ने अपने बेटे को मॉडलिंग के लिए कुछ मिट्टी खरीद कर दी। एक रात उन्होंने एक शहर बनाया जिसका नाम था बर्लिन। एक रात में उन्होंने एक शहर बनाया जिसका नाम था बर्लिन। हाँ, तुम्हें भी मजा आएगा। पासवर्ड क्या है? एक जर्मन, एक शहर, मिट्टी का टुकड़ा। अच्छा डैड, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। पूरे मिस्र की दुनिया में सबसे अच्छे। कायरों में पपीरस का सबसे छोटे बेटे ने लिखा था, एक चरवाहे ने अपने बेटे के लिए सपना देख रहा था। उनका बेटा वाशिंगटन के लिए घर चला गया। एक डेनिश पिता ने एक कलम उठाई, उन्होंने कोपेनहेगन में अपने बेटे को लिखा। एक भारतीय पिता ने एक हाथी को घसीटा, बमुश्किल से दिल्ली की महान राजधानी के लिए। एक डेनिश, एक पेन, एक कोपेनहेगन। गुड मॉर्निंग। पहचानते हो अपने लोगों को? वो सोरोकिन, वो कायरो में काम कर रहा है। लिसा जिमेतिना, वो स्पेन की एक बड़ी महिला है। अकार्डी द अमेरिकन, याद करते हो तुम उन्हें? मैं उन्हें देखना चाहती हूं, लेकिन बिना पासवर्ड के शायद वो मुझसे बात भी ना करें। पासवर्ड कहाँ है? यहाँ। एंड्रयू, मुझे यकीन है डैड ने तुम्हें बताया होगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए, है ना? सच कहूं तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें याद नहीं, और मुझे भी नहीं याद, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। मैं तुम्हें याद करने में मदद करूंगी। मैं उन हालातों में हूं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग पागल हो गए हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कोई पासवर्ड नहीं पता है, मुझे मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता। शांत हो जाओ। कुछ नहीं पता है, चुप हो जाओ तुम। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे केवल बच्चों की कविताएं याद है जो कि पिताजी ने मुझे दिल से सिखाया था जब मैं छोटा था, इसीलिए मैं दुनिया की राजधानियों को याद कर सकता था, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ओके। आपका पासवर्ड उन्हीं कविताओं में से एक है। मैं उनके चयन तर्कों को नहीं समझता, एक एल्गोरिथम को नहीं समझता। मुझे नहीं पता, हमें हमारे डैड के घर जाना चाहिए, वहाँ पर कुछ होगा। पर सच कहूँ तो हमें वहाँ भी कुछ नहीं मिला, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो वहाँ कुछ न कुछ होना चाहिए। वास्तव में ऐसा सोचते हो? मुझे याद रहता है, मुझे पासवर्ड पता है। इतनी जल्दी?
तुम्हें देख के तो ये लग रहा है कि जैसे तुम डांस करना चाहते हो। मुझे पासवर्ड पता है। तो फिर बताओ। नाचना चाहोगी? अब ये क्या, मुझे पता है कि तुम मुझे मार दोगी। क्या ये तुम्हें याद रहेगा? हाँ बिल्कुल। एक दक्षिण कोरियाई व्यक्ति ट्रेन में सो गया। उनका बेटा चिल्लाया सियोल। उसे फिर से जगाने के लिए एक स्पेनिश पिता जोर से खर्राटे ले रहा है, जबकि उनका बच्चा मैड्रिड में बुल फाइटिंग देखने गया है। मैं एंड्री रॉडिन हूँ। अब उस युवा का पासवर्ड मैं हूँ। यहाँ के सारे आदेश केवल मेरे संपर्क में दिए जाते हैं। तो फिर अपने क्लाइंट को बुलाओ। तुम्हें विश्वास है? युवा का पासवर्ड दुनिया में शीर्ष गुप्त श्रृंखला एक बच्चे की कविता है। तुम्हारा क्लाइंट है कौन, मुझे बताओगी? एक प्रमुख व्यवसायी जिनके लिए मैंने अपनी सेवाएं दी थी। अच्छा, तुम्हें रूसी विरोधी पैकेट याद है जो लंदन के अमेरिकी दूतावास में था? वो एक अच्छा कारण था उस ग्राहक को युवा बेचने के लिए। तुम्हें रोमन पावोव याद है, हमारे सहपाठी में से एक? उसे भी मुझसे प्यार था। मैंने उसे सच बोलने की बात की। मैंने अपने ग्राहक के साथ उसके अपहरण की व्यवस्था की। इसे देखकर उसे फिर से छुटकारा पा लिया। सभी ने देखा वो रूसी अपहरण। उन्होंने बहुत से प्रतिबंध लगाए मुझ पर। प्रमुख कंपनियों ने व्यापार छोड़ दिया। वो कंपनियां जो मेरे ग्राहक की प्रतियोगी थी, मैं उनसे मिली। सच में? मैं उनसे मिली और उन्हें समझाया। ऐसा क्या? उसने हमारी पूरी श्रृंखला खरीदने का फैसला किया, क्योंकि उसे आगे बढ़ने की जरूरत है अपने व्यवसाय के साथ। उनके कुछ शेयरों की कीमत में गिरावट होनी चाहिए और कुछ ऊपर जाने चाहिए, और इसके लिए जरूरत थी कुछ लोगों के गायब होने की। तुम सोचती हो कि युवा आदेश मान लेगा बिना कोई सवाल किए? हमें यही सिखाया गया था, आदेशों का पालन करना, प्रश्न ना पूछना। अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम ऐसा सोचती हो? शायद।
वैसे हमें यही सिखाया गया था कि आदेशों का पालन करना बिना कोई प्रश्न किए। अब मुझे समझ में आया कि डैड इतने सेफ क्यों थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। और तुम क्या चाहते हो? चलो चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है, आप रशियन जानते हैं? जब आप पैसा चाहते हैं तो अंग्रेजी सीखते हैं, और जब प्रभाव चाहते हैं तो रशियन। मैंने कोई मजाक किया क्या? मजाक अच्छा कर लेते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। काम की बात करें। वैसे भी मिस्टर, यहाँ सौदा हो रहा है और आप जानते हैं कि युवा का पासवर्ड मैं हूँ, इसीलिए मुझे 3 शर्तें मिली हैं। पहली शर्त है 100 मिलियन यूरो। первая 100 миллионов евро। दूसरी शर्त है सभी आदेश युवा में मेरे माध्यम से जाना, ये मेरी खुद के सुरक्षा के लिए है, आप समझते हैं ना। और तीसरी शर्त है मुझे मारिया चाहिए। मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे एजेंट होंगे और वो तैयार रहेंगे हमेशा आपके आदेश का पालन करने के लिए। ठीक है, कोई भी आदेश जो मैं लेता हूं। कोई भी आदेश? कोई भी आदेश। यस। परंपरा के अनुसार हमें सौदे का जश्न मनाना चाहिए, चलो कहीं चलते हैं। क्या कहती हो मेरी जान? रुक जाइए, उस पर जूम कीजिए। हमें संकेत देने का अनोखा तरीका है। सौदे के लिए जगह बहुत अच्छी है, मजा आएगा यहाँ पर। सब कुछ तैयार है, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा। यहाँ क्या हो रहा है, यही सोच रहे हो ना? मिस्टर एंड मिसेस फेड्रो, प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में जीनियस, इनके बारे में जितना कहूँ कम है। मिलिए इनसे। क्या कोई बता सकता है कि हम यहाँ क्यों हैं और तुम कौन हो? अब इसे कैसे समझाऊं? मुझे आपके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? आप लोग कहते कुछ और करते कुछ और है। खुद को युवा का पासवर्ड बनाने का एक अच्छा विचार है,
केवल व्यक्तिगत संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं। 21वीं सदी में क्या आप किसी वास्तविक व्यक्ति की प्रतिमा बन सकते हैं? आप जैसे काबिल लोग हमारा साथ दे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। हमें एक ही चेहरे वाले दूसरे आदमी की जरूरत है। बेशक हम कर सकते हैं, मुझे चेहरा स्कैन करने की जरूरत है। फिर स्कैन करें? जल्द शुरू करेंगे तो जल्द खत्म ही कर देंगे। तुम्हारी माशूका प्रेग्नेंट है। क्या ये सच है? तुम प्रेग्नेंट हो? सच बताना। हाँ सच है। बधाई हो डैडी, पर मुझे माफ करना। जैसा मैं कहूं वैसा ही करो, नहीं तो मैं इसे और बच्चे दोनों को मार दूंगा। मुझे अनुमति दे ऑपरेशन में भाग लेने के लिए। मेरा जवाब ना है। इन पर नजरें गढ़ा के रखो, कोई भूल ना हो पाए। समझ गए ना? कुछ कहना है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? पता चला है कि वहाँ पर बहुत सारे बंदूकधारी हैं। जब तक मैं ऑर्डर ना करूँ तब तक कोई एक्शन मत लेना। हम आपके ऑर्डर के हिसाब से ही काम करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं इस ऑपरेशन को खत्म करना चाहता हूँ। लैंड की कमान तुम लेना, यहाँ पर लैंड करना। मैं ग्रुप को पानी से निकालूंगा, वो हमें नोटिस करेंगे। इससे तुम्हें ही फायदा होगा। ये उस पानी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वो जाते हैं तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। जी। मेरे पास 5 मिनट है। 5 नहीं, 2। मंडे को जब मीटिंग होगी तो आप ये ऐलान करेंगे कि आप रशियन से कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। नामुमकिन, हमारी उनसे पहले ही बात हो गई है। सीधा देखिएगा, आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में जो परमाणु हालात हैं उनसे क्या हो सकता है। उनकी मिसाइल्स आपको किसी भी समय बर्बाद कर सकती हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं है, धमकी नहीं है, ये समझदारी भरी चेतावनी है आपके लिए। बस इतना ही, आराम से सोचिएगा। तैयार रहो। हम पहुंचने वाले हैं।
जाओ जाओ जल्दी करो। क्या वहाँ सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। जिंजर, हे जिंजर, मुझे तुमसे बात करनी है। मजा आ रहा है? ठीक है, मैंने सब पकड़ लिया है। मारिया, एंड्रयू, जवाब देने का वक्त आ चुका है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा हो? मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हें जेल से निकालूं, फिर उसे खुद संभालूंगा। मेरे डैड को गोली किसने मारी थी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने अंगोला में ऐसा किया जब कोई ग्रुप से कैदी को ले जाता था। तुम वहीं गोली मार देते थे। पहले तो ऐसा लगता है कि ये इंसान मर चुका है। क्या कहा? वो कोमा में था, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं।
इस बार वो शायद बच नहीं पाएंगे। तुम्हें वहां जल्दी जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाया। आप शायद नहीं चाहते थे कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई बेटा आए। मैं हमेशा आपके जैसा बनना चाहता था। आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा शर्म किस बात पर आती थी जब मैं 6 साल का था। तब मैंने पहली सिगरेट पी थी और आपने मुझे देख लिया था और पकड़ लिया था। मैं इतना डर गया था कि मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था। मुझे लगा मैं शाखाओं के पीछे छिपा हूं, पर नहीं, आपकी नजरों से मैं बच नहीं पाया। आपने मुझे पकड़ लिया। मैं उस शाखा पर 4 घंटे बैठा था। मेरा शरीर दर्द करने लगा था। वो दिन काफी बुरा था। मुझे लगा कि आप मुझे मार ही डालेंगे। और फिर मैं वहां पर बैठे बैठे थक गया। उसके बाद नीचे उतर कर वहां से घर चला गया। मैंने वहां पर आपको देखा और आपने न देख पाने का नाटक किया। मुझे उस बात को लेकर आज भी बहुत ही शर्म महसूस होती है। मान लीजिए अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसको जरूर आपका ही नाम दूंगा। युवा इकट्ठा हो, तुम ऊपर जाकर देखो। तुम कोमा से बाहर कैसे आए? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मैं जल्दी बुला कर लाता हूं। वैसे वो मैं ही था जिसने तुम्हें गोली मारी थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तुमको नशा देकर सब कुछ उगलवा लिया होता तो हमारा मिशन खत्म हो जाता। तुम ही बताओ मैंने सही किया या गलत। तुम शर्त लगा लो यही था। अच्छा, हे, अगर तुम फिर से मर गए तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो? तुम थोड़ा आराम करो।
होगा। ये डॉर्डन बोल रहा है कि हमारे मिलने का समय आ चुका है।